अभी जो केसेस आए हैं वो एक क्लस्टर में आए हैं, सेना के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में। शुरुआती दौर में 2-3 में सिम्टम्स होने के बाद लगभग 30 की संख्या पॉजिटिव आई है। अभी अच्छी चीज़ यह है कि इसमें बहुत सिम्टम हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मरीज जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। आर्मी के सहयोग से वो एरिया कंटेनमेंट डिक्लेयर हो गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हुआ है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो अन्य संस्थानों ने, आर्मी स्वयं ने भी बैक ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट होकर आया है। अभी के लिए तो ये मामला कंटेंड है, कंटेनमेंट एरिया बन जाने के कारण आगे का संक्रमण फैलने का दायरा तो रुक जाएगा। ये ज़रूर है कि ये कहीं ना कहीं हमको ऐसा ज़रूर आगाह करता है कि कोरोना गया नहीं है और कभी भी इस तरीके से करवट बदलकर फिर हमला कर सकता है। सर, कोई वेरिएंट है या मतलब नॉर्मल? देखिए, वेरिएंट पता करने के लिए तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग भारत में हर केस की तो होती नहीं, किसी कहीं भी नहीं होती, हमारा प्रतिशत भी कम है। अभी जिस प्रकार का एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, यही मानकर ही चलना चाहिए कि शायद वो जो डेल्टा वेरिएंट जो पहले था, जिसके कारण यहाँ बहुत तबाही मची, उसी से ही संबंधित होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चिन्ह बीमारी के नहीं है, तो इसलिए कोई नया वेरिएंट होगा इसकी संभावना कम है। देखिए, ये कुछ समय प्रक्रिया चलती रहेगी। पहला आग्रह तो जो वैक्सीनेशन का है वो है ही सही, और इसमें जो दूसरी डोज लोग नहीं लगवा रहे हैं, और लगभग प्रदेश भर में बहुत बड़ी संख्या में, इंदौर में भी शायद 3-4 लाख की संख्या होगी न्यूनतम, जिनने सेकेंड डोज समय पर नहीं लगवाई है, ये लगवाना चाहिए, ये तो पहला काम। बीच बीच में जो केसेस आते रहेंगे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, छोटे छोटे हिस्सों को बंद करना, कंटेनमेंट एरिया बनाना, कभी इकट्ठे आ जाएंगे, ये अगर हम मुस्तैदी से करते रहेंगे तो शायद बड़ी समस्या को रोक पाएंगे।